ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं, 5 राउंड्स, और लास्ट वाले राउंड में यहाँ पे 12 डबल क्रोशे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, टोटल 24 डबल क्रोशे हो गए, 24। आप ये सेम कलर से कंटिन्यू करना, आप कट ना करें, मैंने कट कर लिया था, कोई बात नहीं, इसे दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, जोड़ जोड़ लेते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब जो ये चेन है इसमें क्रोशियो को डाल के अपनी स्लिप नॉट को लेके अटैच कर लेंगे और एक चेन बनाएंगे, 2 और ये 3, 3 चेन, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक, और सेम चेन में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इससे अगली चेन में 1 डबल क्रोशे और सेकंड वाली चेन में एक, और ये 2 डबल क्रोशे और प्लस एक चेन। तो इस राउंड में हम देखिए, फर्स्ट वाली चेन में तो 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में 2, 1 और ये 2, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 बनाएंगे, सेकंड वाली में इंक्रीज करेंगे और एक चेन बनाएंगे प्लस एक चेन। तो ऐसे पूरा राउंड बनाएंगे, फर्स्ट में 1 सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2, और फिर प्लस एक चेन। तो ऐसे हमारे पास 3 3 बनेंगे, बीच में एक चेन का गैप रहेगा, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2, बीच में एक चेन। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाते हैं। तो देखिए ऐसे हमने सभी में बना लिया, फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 और इनके बीच में एक एक चेन। अब लास्ट में हमने फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 बनाया और एक चेन बना ली। अब ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी इसे भी 1 डबल क्रोशे काउंट किया था, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से ही 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन 1 डबल क्रोशे, अगली वाली चेन, ये 3 चेन है ना, सॉरी 3 डबल क्रोशे है ना, ये सेकेंड वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये थर्ड वाली जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम बढ़ाएंगे, इस वाले में बढ़ाएंगे, फर्स्ट में इसमें 1 फर्स्ट और ये सेकेंड, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 हो गए, पहले 3 थे अब 4 हो गए, प्लस एक चेन। अब नेक्स्ट 3 लेंगे क्योंकि इसके बाद एक चेन है, तो फर्स्ट में 1 बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी 1 बनाएंगे, और थर्ड वाली तीसरी जो चेन है इसमें 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे करके आप अपना बेसिक घेरा भी बना सकते हैं किसी भी पैटर्न का। फिर एक चेन बनाएंगे, देखिए 3 डबल क्रोशे हैं, इनके बीच में एक एक चेन का गैप है, तो फर्स्ट में 1 बनाएंगे, सेकेंड में 1 बनाएंगे, थर्ड वाली चेन में 2 बनाएंगे, 1 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशे बनाए प्लस एक चेन। तो ऐसे ये 4 4 हमने बनाते जाएंगे। इस लास्ट वाले राउंड में 3 डबल क्रोशे थे, अब इसमें 4 4 होंगे, तो एक एक चेन का गैप देते जाएंगे बीच में। तो देखिए ऐसे ये 4 4 डबल क्रोशे बना लिए और बीच में एक एक चेन बना लिया, 4 डबल क्रोशे बनाए प्लस एक चेन। अब ये जो सबसे ऊपर चेन है, 3 चेन 1 डबल क्रोशे था, थर्ड वाली चेन जो है स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे इसको। अब सिंपल है, यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। इसी अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और इससे नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे, 4 है ना, 4 डबल क्रोशे हैं, तो फर्स्ट इन में एक बनाएंगे और जो लास्ट वाली है इसमें 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर देखिए अब ये 4 हैं, तो फर्स्ट 3 में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 बनाया, इसी में एक और बनाएंगे, 5, टोटल 5 डबल क्रोशे हो गए। देखिए पहले 3 थे, अब 4 हैं और इसमें 5, तो हर कॉर्नर वाली चेन में, जैसे 4 है ना, पहले 3 में एक एक बनाएंगे, जो कॉर्नर मतलब एक चेन से पहले जो लास्ट वाली स्टिच है इसमें 2 बनाएंगे, तो हर 4th में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और इनके बीच में एक एक चेन बनाते जाएंगे। तो ऐसे ये राउंड पूरा बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे बना लिया, अब एक चेन बनाई, 5 डबल क्रोशे प्लस एक चेन। अब यहाँ से जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम नेक्स्ट राउंड के लिए, ये ऐसे राउंड बना हमारा, नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। अगली जो डबल क्रोशे के ऊपर भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसे नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 4
और जो ये पांचवी डबल क्रोशे फिफ्थ वाली, इसमें हम एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए कॉर्नर की है एक चेन से पहले, तो पांच डबल, ये यहाँ पे अब हमारे पांच थे तो इसके ऊपर छः हुए, तीन और तीन छः, लास्ट में पांच थे कॉर्नर वाले में बढ़ाया तो छः हो गए। अब यहाँ से हम एक चेन वाली जगह में इस बार एक चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो अब ये देखिए नेक्स्ट फाइव हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशे, सेकंड के ऊपर भी डबल क्रोशे एक, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इसके ऊपर एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे हो गए। तो यहाँ से इसमें फाइव के ऊपर सिक्स हो गए डबल क्रोशे, एक चेन से पहले बढ़ाएंगे और एक चेन वाली जगह में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे, फाइव डबल क्रोशे के ऊपर देखिए, सबसे पहले फोर में तो चार डबल क्रोशे बनाएंगे, पाँच में दो बनाएंगे तो छः हो गए और एक एक चेन वाली जगह में बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे, इस बार चेन नहीं बनाएंगे, बस उसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, इसके ऊपर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और ये एक चेन वाली जगह में डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे पूरा बनाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने ये पूरा राउंड बना लिया। इसमें हमने देखिए हर ये जो फाइव डबल क्रोशे के ऊपर बनाए फाइव डबल क्रोशे और लास्ट वाले में दो बनाए, तो छः हो गए, एक यहाँ पे हो गया। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 84 डबल क्रोशे होंगे, 84, क्योंकि हम इन्हें काउंट करेंगे, एक कली जो है एक दो, ये 12 कलियाँ हैं, तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हैं कली के ऊपर, तो 12 छिक 72, 72 हो गए। और एक एक हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये जो बीच में हमने डबल क्रोशे बनाया है, तो ये 12 और होंगे, तो 84 हो गए, 84 हो गए, या आप ऐसे भी काउंट करेंगे, 3 3 6 9, पूरे 84 डबल क्रोशे होंगे। हमें चाहिए 80 डबल क्रोशे, 80 इस राउंड के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ये दो डबल क्रोशे बनाए ना एक चेन वाली जगह में, तो एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये जो दो डबल क्रोशे बनाए ना एक दो तीन, हर ये जो लास्ट वाली में फिफ्थ वाली में चार, तो हम ये चार जगह एक एक ही बनाएंगे। तो मैंने आपको ये बताने के लिए बताया है कि ऐसे यहाँ पे हम एक एक बनाएंगे इन लास्ट फोर स्टिचेस में। आप बीच बीच में भी बना सकते हैं, बट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो लास्ट फोर स्टिच में आप कम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये बीच में एक चेन वाली जगह में तो एक डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी ये जो फाइव डबल क्रोशे है ना, दो, ये फाइव के ऊपर फाइव, चार और ये पाँच, फाइव के ऊपर फाइव डबल क्रोशे और ये एक चेन वाली जगह में एक डबल क्रोशे। तो ऐसे करके हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं, हमारे पास टोटल 80 डबल क्रोशे हो जाएंगे, 80। तो देखिए ऐसे हमने बना लिए और अब हमारे पास टोटल 80 डबल क्रोशे हो जाएंगे, हो गए 80 हमारे हो गए। अब यहाँ से देखिए थ्री चेन थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, ये भी हमारा एक डबल क्रोशे था। अब यहाँ से देखिए ऐसे बन गया जो हमारा घेर है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए चाहे तो आप थ्रेड चेंज भी कर सकते हैं, मैं यही थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, बेस कलर यही बना रही हूँ, यहाँ से आप थ्रेड भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक चेन बनाएंगे और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये जो ये सेम चेन है ना, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। और अब देखिए जो चेन है ना आगे, हर चेन के दो लूप होते हैं, फ्रंट, ये देखिए ये पूरी चेन है, इसके दो लूप है, एक फ्रंट है एक बैक है, आगे और पीछे, तो हम इसमें बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो पीछे है सिंगल क्रोशे दो, अगली चेन में भी बैक लूप में बनाएंगे, तीन, नेक्स्ट चार और ये नेक्स्ट पांच, हम पांच सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी चार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद एक और ये दो चेन बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली एक चेन स्किप करेंगे, ऊपर से दो चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाली में बैक लूप में, एक फिर से नेक्स्ट दो तीन, बैक लूप में काम करेंगे, चार, चार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद दो चेन बनाएंगे और यहाँ से हम एक चेन स्किप करेंगे, अगली वाली में फिर से हम बैक लूप में काम करेंगे, एक दो
तीन, चार, चार सिंगल क्रोशे बनाए, ऐसे बनाते जाएंगे। एक और ये दो चेन बनाएंगे, यहाँ से एक चेन स्किप करके अगले वाले में फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पूरा राउंड ऐसे रिपीट करते जाएंगे, चार सिंगल क्रोशे बैक लूप में तीन, और ये चार सिंगल क्रोशे बैक लूप में प्लस टू चेन, और यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली चेन में सिंगल क्रोशे, ऐसे फोर सिंगल क्रोशे ऐसे बनाते जाते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं, ऐसे बनेगा। एक बार और बता दूं, एक दो तीन चार सिंगल क्रोशे, फिर दो चेन बनाए, यहाँ से एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशे फिर से स्टार्ट करेंगे, चार सिंगल क्रोशे प्लस टू चेन। तो बनाते जाते हैं पूरे राउंड में ऐसे ही। तो देखिए ऐसे पूरा राउंड बना, फोर सिंगल क्रोशे दो चेन, और यहाँ से एक चेन स्किप करें, फिर फोर सिंगल क्रोशे बनाए, फोर चेन में फोर सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ से दो चेन बनाई, फिर नीचे से एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट फोर सिंगल क्रोशे। तो ऐसे हमारा परफेक्ट बैठा है, कोई भी जो हमारी स्टिच या चेन है कम ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले ही काउंट कर ली थी लास्ट वाले राउंड में। अब दो चेन बनाई, अब जो फर्स्ट दो चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाली, अब ये फोर वाली एक चेन स्किप करेंगे तो नेक्स्ट फोर सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, तो हमारी कंटिन्यूटी रही, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे, इसे जोड़ लिया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास टोटल ये दो दो चेन वाले कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, टोटल सोलह, सिक्सटीन हमारे बने। इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए, दो के मल्टीपल में। तो इस हिसाब से आप ये किसी भी साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं बना के। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद एक दो तीन, तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद अगली जो सिंगल क्रोशे के ऊपर चेन है इसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे दो, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, अगली सिंगल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो चार सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने चार डबल क्रोशे बना दिए। अगर आप इसे कलर चेंज करके बनाना चाहें तो कलर चेंज करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ से इस बार हम एक दो तीन चेन बनाएंगे, दो चेन नहीं बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ से तीन चेन बनाने के बाद ये दो चेन वाली जगह स्किप करके लूप लिया, और बाकी जो फोर सिंगल क्रोशे हैं इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार के ऊपर चार बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, सॉरी तीन चेन बनाएंगे, इस राउंड में हम थ्री थ्री चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फोर सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन और ये है चार, चार हमने डबल क्रोशे बनाया, फिर एक दो और ये तीन चेन बनाया। तो ऐसे ही राउंड पूरा करेंगे, फोर सिंगल क्रोशे के ऊपर फोर डबल क्रोशे और दो चेन वाली जगह पे थ्री चेन बनाएंगे, थ्री थ्री चेन। तो बनाते हैं पूरा राउंड। तो देखिए ये राउंड बना लिया, फोर डबल क्रोशे प्लस थ्री चेन। अब यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ से सेम राउंड रिपीट करेंगे, एक दो तीन चेन एक डबल क्रोशे, अगले वाले चेन में भी डबल क्रोशे, इसे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे तीन, इसे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे चार। तो हमने चार चेन में चार डबल क्रोशे बनाए, फोर डबल क्रोशे के ऊपर फोर डबल क्रोशे, इसके बाद एक दो तीन चेन बनाएंगे। तो ये राउंड ऐसे ही बनाएंगे, थ्री चेन प्लस फोर डबल क्रोशे। अगले में जो फोर डबल क्रोशे इनके ऊपर फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार हमने डबल क्रोशे बनाए, और यहाँ से फिर एक दो तीन चेन बनाई। लास्ट राउंड में भी थ्री बनाए थे, इसमें भी थ्री बनाएंगे। तो ऐसे ये पूरा राउंड बनाते हैं, तो बनाते हैं ऐसे पूरा। तो ऐसे बना, अब लास्ट में थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ से जो थ्री चेन्स हैं सबसे ऊपर वाली में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन एक डबल क्रोशे होगा। नेक्स्ट में भी ये जो चार डबल क्रोशे इनके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे,
ये तीसरा डबल क्रोशे। अब जो लास्ट वाला है इसमें एक और ये दो डबल क्रोशे बनाएंगे। जो ये लास्ट वाला डबल क्रोशे उसके ऊपर दो बनाएंगे, चार थे अब पांच बन गए। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट ये फोर डबल क्रोशे। ऐसे ही चौथे वाले में हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में एक, ये चौथे वाले में, फोर्थ वाले में दो, एक और ये दो, दो डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे, थ्री थ्री चेन बनाएंगे और फाइव डबल क्रोशे, तीन और दो पांच डबल क्रोशे। तो ऐसे पूरे राउंड में बनाएंगे, चार की जगह पांच, फोर्थ वाले में दो बनाएंगे। तो बनाते हैं ऐसे राउंड ये पूरा। तो देखिए ऐसे हमने ये वाला राउंड बना लिया। अब थ्री चेन बनाने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये फाइव डबल क्रोशे वाली बने इस वाले रो में हमारे फाइव डबल क्रोशे। तो अब यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे, इसे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, चार और ये पांच। हमने पांच के ऊपर पांच डबल क्रोशे बनाए। अब इस राउंड में हमारे पास हम बनाएंगे चार चेन, एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और फाइव डबल क्रोशे के ऊपर फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डबल क्रोशे बनाए, फाइव डबल क्रोशे के ऊपर फाइव, फिर एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशे प्लस चार चार चेन बनाएंगे इस वाले राउंड में। एक बार और देख लीजिए, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच डबल क्रोशे, फाइव डबल क्रोशे के ऊपर फाइव डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चार, चार चेन। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे। तो ये ऐसे बना लास्ट में। इस राउंड में हमने चार चेन बनाई है, तो एक दो तीन चार, चार चेन बनाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ से एक राउंड और रिपीट कर लेंगे, ये सेम एक दो तीन चार हो गए हमारे। यहाँ से सिंगल क्रोशे के बाद से एक राउंड और रिपीट कर लेते हैं, एक दो तीन चेन एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे, दो तीन चार और ये पाँच, पांच डबल क्रोशे के ऊपर पांच डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चार चेन। तो ऐसे ही बनाएंगे फाइव डबल क्रोशे प्लस फोर चेन। तो ये रिपीट करते जाएंगे हम, एक दो तीन चार और ये पांच डबल क्रोशे प्लस चार चेन, एक दो तीन चार। तो बनाते हैं। तो देखिए ऐसे बनाए राउंड, और फोर चेन बनाई, फाइव डबल क्रोशे बनाई, रिपीट करते गए। अब थर्ड वाली फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। फिर एक चेन बना के सेम चेन में सिंगल क्रोशे, इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फाइव सिंगल क्रोशे करेंगे, फाइव डबल क्रोशे के ऊपर दो तीन चार और ये पाँच, पाँच सिंगल क्रोशे किए ऐसे, फिर एक दो तीन चार, चार चेन बनाई, नेक्स्ट फाइव। ये देखिए हमने जो है यहाँ से सिंगल क्रोशे के बाद एक दो तीन चार पाँच राउंड बनाए हैं, उसके बाद सिंगल क्रोशे का राउंड। फोर चेन बनाई, इसके बाद इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फोर डबल क्रोशे के ऊपर, सॉरी फाइव डबल क्रोशे के ऊपर फाइव सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव सिंगल क्रोशे बनाए, इसके बाद एक दो तीन और ये चार चेन बनाई, फोर फोर चेन, चार चार चेन और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फाइव सिंगल क्रोशे। तो ऐसे बनाते जाएंगे ये राउंड, फाइव सिंगल क्रोशे प्लस फोर चेन। तो देखिए ऐसे बना, फोर चेन बनाई, और जो स्टार्टिंग की जो सिंगल क्रोशे ना इसके ऊपर चेन में है, में सिंगल क्रोशे में
जो चेन है स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बनाएंगे और कट कर लेंगे अपनी थ्रेड को। मैंने पहले से कट कर ली, तो ये हमारा ऐसे ही पूरा पैटर्न बना। अगर आपको थोड़ा खिंचावा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से हम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो बची हुई भी थ्रेड या वूल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यार्न, जैसे कि अलग अलग कलर्स की, ये देखिए ऐसे, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं। तो मैं पहले यही वाला कलर लगा रही जिससे बॉर्डर बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए देखिए, थोड़ा सा ना आप जो है थ्रेड को लंबा रखिए ताकि ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो ये क्रोशियो की हेल्प से हम लूप्स में डाल के हाइड करें। अब ये जो ये वाली चेन है ना, दो दो या ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, ये देखिए जो ये रो है इनके जो नीचे सबसे नीचे चेन वाली रो है इनके जो सबसे नीचे है ये वाली, वो आपको सही से दिख रहा हो, ये देखिए ये वाली जो रो है इसमें जो चेन है ना सिंगल क्रोशियो की, इसमें क्रोशियो को डालेंगे। बहुत ही ईजी पैटर्न है। और स्लिप नॉट को लेंगे और एक चेन बना के कनेक्ट कर लेंगे अपने पैटर्न से। एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे और एक यहाँ से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाया ऐसे, फिर एक दो तीन चार चेन बनाएंगे। अब इनके बीच में ऐसे क्रोशे हुक लेंगे, दो लूप हैं इनको एक साथ निकालेंगे, पर्ल स्टिच बनाया, फिर दोबारा एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक दो तीन चार चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशे दो इसके और इसके बीच में क्रोशियो को डाल के पर्ल स्टिच बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशियो बना लेंगे दो लूप को लेके। ये नेक्स्ट डबल क्रोशियो बनाया, फिर एक दो तीन चार चेन बनाएंगे। अब इनके बीच में ये देखिए, इनके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशियो बना लेंगे, पर्ल स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट एक डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे, सॉरी चार चेन बनाएंगे और इनके बीच में ये देखिए ऐसे क्रोशियो को डाल के ये दो लूप हैं इनको एक साथ निकालेंगे सिंगल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, फिर एक दो तीन चार चेन बनाई इनके बीच में ऐसे। तो ये हमने कितना बना लिया, ये पिकॉट या पर्ल स्टिच, एक दो तीन चार पाँच बनाए, फाइव हो गया। अब यहाँ से फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे, थ्री चेन बनाई ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट ये जो दो चेन वाली जगह यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब अगला जो ये वाली जगह है दो चेन वाली, देखिए ऐसे लूप लिया, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे एक, जैसे यहाँ पे थ्री चेन बनाई थी हमने इसको डबल क्रोशे काउंट किया, तो एक और डबल क्रोशे बनाएंगे ताकि हम अपना पैटर्न बना सके। डबल क्रोशे बनाने के बाद एक दो तीन चार चेन बनाएंगे। अब इनके बीच में से क्रोशे को निकाल के ऐसे दो लूप को एक साथ निकालेंगे, फर्स्ट पर्ल स्टिच, दोबारा एक डबल क्रोशे बनाएंगे, तीन चार चेन लेंगे, यहाँ से डालेंगे ऐसे पर्ल स्टिच या पिकॉट, एक दो बन गए हमें तीन और बनाने, टोटल पांच बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाया, फिर एक दो तीन चार चेन लेंगे, इस वाली जगह में से निकाल लेंगे सिंगल क्रोशे ऐसे, फिर ये चार दो तीन चार चेन बनाई और इनके बीच में से ऐसे निकालेंगे। कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए हमारे डबल क्रोशे और पर्ल स्टिच, और ये फिफ्थ वाला और लास्ट वाला, एक दो तीन चार, चार चेन बनाई और इनके बीच में से ऐसे निकालेंगे दो लूप। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए ऐसे बनेगा ये। जब हम पैटर्न बनाते जाएंगे अपने आप ही बैठता जाएगा ऐसे। इसके बाद यहाँ से एक दो तीन चेन लेंगे, ये जो नेक्स्ट है ये जो दो चेन वाला लूप है इनके, ये देखिए इसके यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे, ऐसे ही ये बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। एक बार हमारा ये फैन बनाएंगे और एक बार ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे थ्री चेन का।
तो ऐसे बनाते जाते हैं। एक बार और बता दूं, लूप लिया यहाँ पे, ये वाली एक बार हमने सिंगल क्रोशे बनाया, तो इस बार हम जो ये वाली जगह है ये चेन में, अब यहाँ पे कली बनाएंगे। सबसे पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद हम एक दो तीन चार चेन बनाएंगे। चार चेन बनाने के बाद ये जो दो लूप हैं यहाँ पे ऐसे दो लूप को निकालेंगे, फिर ये फर्स्ट पर्ल स्टिच, अब दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे, चार चेन बनाई, अब इनके बीच में से ऐसे निकालेंगे, दो हो गए ऐसे, लूप लिया, फिर इसी जगह से तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार चेन बनाई, इसी जगह से ऐसे लूप लेंगे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे, एक दो तीन हो गए, ये फोर्थ हमारा डबल क्रोशे है, तीन चार चेन बनाएंगे, ये देखिए जो ये गैप है ना इसके बीच में से निकालेंगे, अब ये लास्ट वाला फिफ्थ, एक दो तीन चार, चार चेन इसके बीच में से ऐसे इन दोनों के बीच में से दो लूप निकालेंगे, फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये सिंगल क्रोशे बनाया, फिर एक दो तीन चेन बनाई, तो देखिए ऐसे ही हमारा राउंड पूरा बनेगा, ऐसे हम ये बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच, ये हम पल्स पिकॉट या पल्स स्टिच बनाएंगे, और डबल क्रोशे अगर हम काउंट करेंगे तो सिक्स होंगे, एक हम स्टार्टिंग में बनाएंगे क्योंकि हमें पल्स स्टिच बनाने के लिए दो डबल क्रोशे चाहिए, तो एक हमने स्टार्टिंग में बनाए, छः डबल क्रोशे और फाइव पल्स स्टिच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक बार पल्स स्टिच बना, एक बार ये सॉरी ये फैन बनाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे थ्री थ्री चेन बना के, तो ये पूरा राउंड इसी में बनाते हैं इस वाली जगह पे यहाँ पे। तो देखिए ऐसे ही हमारा पैटर्न बना, ये थ्री चेन सिंगल क्रोशे थ्री चेन बनाए, अब यहाँ से देखिए ये हम ये वाली चेन में जो स्टार्टिंग में बनाई थी हमने, जो सबसे ऊपर चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और जोड़ लेंगे अपने पैटर्न को, एक चेन बना के कट कर लेंगे, अपने थ्रेड मैंने कट कर ली है। तो देखिए ये ऐसे बना, ये हमारी जो ये पैटर्न है, देखिए कली के बाद सिंगल क्रोशे, कली के बाद सिंगल क्रोशे, तो ये हमारी कंटिन्यूटी बनी रही, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनी है हमारे पास, आठ जो कलियाँ बनी हैं और आठ सिंगल क्रोशे हैं हमारे पास, 16 ये थे जो ये जो ये वाली चेन वाली स्पेस, तो इसीलिए हमें किसी भी साइज़ में बनाना हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दो के मल्टीपल में हो, दो के मल्टीपल में मतलब इवन नंबर हो। जैसे हमने ये 16 लिया है तो आठ हो गई है ये वाली जगह, इस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया था। अब नेक्स्ट के लिए देखिए दूसरा कलर लगा लेते हैं, अब नेक्स्ट के लिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हाइड कर लेंगे सुई या क्रोशियो की हेल्प से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाई अपने पैटर्न को लेंगे। अब देखिए अब जो है हम इन वाले में काम करेंगे, तो एक बार जो पैटर्न बनाया है इस इन दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ पर बनाएंगे, तो पैटर्न के बीच में जो चेन है यहाँ पर बनाएंगे, हम यहाँ से ये वाला स्किप करेंगे, इससे ऊपर वाले में बनाएंगे, तो सेम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले एक चेन से कनेक्ट करके दो तीन चेन बनाई, और इसी जगह पे अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चेन अब इन दोनों के बीच में जैसे हमने बनाए हैं कली वैसे ही दो लूप निकाले पिकॉट या पल स्टिच, सेकंड डबल क्रोशे, एक दो तीन चार चेन इसके बीच में से निकालेंगे ऐसे, फिर इसके बाद एक बार और एक दो तीन चार चेन अब इन दोनों के बीच में से ऐसे सिंगल क्रोशे पर्ल या पिकॉट स्टिच, टोटल फाइव बनाने हमें पांच, जैसे हमने लास्ट राउंड में बनाया वैसे ही, फिर एक दो तीन चार चेन बनाई इनके बीच में से निकालेंगे ऐसे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे,
एक दो तीन चार चेन बनाएंगे, इनके बीच में से निकालेंगे ऐसे। तो एक दो तीन चार पाँच हमारे पास हो गई, और एक जो थ्री चेन है ये भी डबल क्रोशे है, छह डबल क्रोशे और पांच पर्ल स्टिच। इसके बाद देखिए, तो देखिए ऐसे ही कली बनाई, इसके बाद यहाँ से थ्री चेन, एक दो तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए, जो हमने ये वाला स्किप करके इसके ऊपर में बनाया है ना, तो यहाँ पे हम इसको जो सिंगल क्रोशे है इस वाली जगह पे बनाएंगे। इस वाली जगह में हमने थ्री चेन बनाई है, तो फर्स्ट को स्किप करके सेकंड वाले में जो बीच वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को डाल के जो बीच वाली चेन है ये वाली, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। फिर एक दो तीन चेन बनाई ऐसे। अब यहाँ से ये देखिए, नेक्स्ट में ये स्किप करेंगे, ऊपर बनाएंगे कली के लिए हम ऊपर बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशे बनाया एक, और फिर एक और डबल क्रोशे बनाया, फिर एक दो तीन चेन बनाई इन दोनों के बीच में से, ऐसे सिंगल क्रोशे बनाया। देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए यहाँ से जो कनेक्ट किया ये ऐसे हुआ, इन दोनों के बीच में ऊपर वाली कली आई, जैसे इन दोनों के बीच में एक कली आई है ना ऐसे। तो यहाँ से फिर इसको कंप्लीट करते हैं कली को, एक दो तीन चेन, चार चार चेन बनाएंगे, सॉरी अगर मैंने कहीं तीन बनाई हो तो चार बनाएंगे इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाया, एक दो हुए हैं पाँच बनाने हमें, तीन चार चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाया, एक दो तीन चार चेन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे पिकॉट या पर्ल स्टिच। फिर इसी जगह पे डबल क्रोशे बनाया, एक दो तीन चार चेन बनाई, इनके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे। तो हमारी टोटल एक दो तीन चार पाँच हो गई, पाँच डबल क्रोशे और पाँच ही पर्ल स्टिच हो गई, और ये एक सिक्स्थ ये वाला जो स्टार्टिंग में बनाया था ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही ईजी है। इसके बाद एक दो तीन चेन बनाई, अब तीन चेन देखिए ऐसे बना। अब जो तीन चेन है ये हम, ये जो नेक्स्ट वाला है इस इधर पे कनेक्ट नहीं करेंगे, नीचे वाली जो चेन से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाली स्किप करेंगे, सेकंड जो बीच में है थ्री चेन है, तो सेकंड नंबर वाली जो चेन है बीच वाली यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर एक दो तीन चेन बनाई, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे होगा। देखिए ये जो कली आई यहाँ पे आई सिंगल क्रोशे वाली, और इनके बीच में ये जो सिंगल क्रोशे ऊपर हम ये वाली कली आई, तो ऐसे थ्री चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बनाएंगे, ये वाला स्किप करके जब कली बनाएंगे एक स्किप करके ऊपर वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे। एक बार मैं आपको और बता दूँ, एक दो तीन चार चेन, फिर इनके बीच में सिंगल क्रोशे पिकॉट, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार चेन बनाई इनके बीच में सिंगल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे और एक दो तीन चार चेन बनाई, फिर इनके बीच में सिंगल क्रोशे पिकॉट या पर्ल स्टिच, डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चार चेन इनके बीच में बनाएंगे ऐसे। एक दो तीन चार हो गए, पांचवा भी बनाते हैं, एक दो तीन चार इनके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे या पर्ल या पिकॉट स्टिच, ये देखिए ऐसे बना। अब इसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा हम बनाएंगे तो। इसके बाद यहाँ से एक दो तीन चेन बनाई, अब इसे कनेक्ट, ये देखिए इसके जो फ्लावर या कलिया जो हमने बनाया इसके नीचे इस वाली जगह पे, इसके साथ जो है ऊपर वाली में नहीं, ऊपर वाली में यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे कनेक्ट। ये जो ये वाली है नीचे वाली चेन, ये बीच वाली फर्स्ट को स्किप करके सेकेंड वाली थ्री चेन बनाई थी ना हमने यहाँ पे, तो इस जगह पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से एक दो तीन चेन बनाएंगे, ये देखिए ऐसे ये बनता जाएगा। अभी ये बना रहे हैं तो ठीक से बैठ जाएगा अच्छे से,
अब यहाँ से ये देखिए कली ऊपर बनी है, कनेक्ट नीचे किया है। देखिए कली ऊपर वाले में बनी है, नीचे वाले में कनेक्ट किया है। थ्री चेन बनाई, ये वाला स्किप करके ऊपर में कली बनाएंगे। एक डबल क्रोशे जब कली बनाएंगे, एक स्किप करके ऊपर वाले में बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशे दूसरे वाले के साथ, फिर हम चार चेन बना के इन दोनों के बीच में ऐसे पिकॉट। तो यहाँ से बनाते जाएंगे ऐसे, इसके बीच में फिर इधर वाले में कनेक्ट करेंगे बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशे बना के। तो बनाते हैं पूरा राउंड। तो देखिए ऐसे ये पूरा हमारा राउंड बन गया। अब ये थ्री चेन बनाई, अब यहाँ से जो ये हमने स्टार्टिंग में हमने थ्री चेन बनाई थी ना, सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई या क्रोशे के हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ऐसे बना, ये एक चेन यहाँ से वाली, ये वाली रो वाली चेन स्किप करके, ये वाली रो की चेन स्किप करके ऊपर में हमने फैन बनाया कली, फिर यहाँ पे थ्री चेन बना के नीचे सिंगल क्रोशे बनाए बीच वाली थ्री चेन में से सेकेंड वाली बीच वाली, फिर ये स्किप करके ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे। तो देखिए ऐसे ये बना। तो अब ये देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड के लिए सेम कलर की थ्रेड को, सेम कलर की जो थ्रेड है उसी में हम डालेंगे सुई की हेल्प से, लूप्स में हाइड करेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे जितनी भी थ्रेड हैं, यान है, वूल है, जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उससे आप ऐसे लूप्स में डाल के हाइड कर दीजिए, जिससे हमारी ये थ्रेड दिखेगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। जो बच गई है इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे ही ये वाली थ्रेड भी, जितनी भी थ्रेड्स हैं। तो आगे देखिए, ये देखिए कितना सिंपल, और ये जो एक्स्ट्रा जो बची हुई थ्रेड्स होती हैं हमारे पास थोड़ी थोड़ी, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये पैटर्न अपने आप ही फ्लैट बैठता जा रहा है। तो आगे पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ये हमारा पैटर्न बना देखिए। तो ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप में डाल के बैक साइड में। कट कर लेंगे जो बची हुई है। अब देखिए ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड के लिए, ये देखिए अपने आप ही फ्लैट बैठता जाएगा ये। तो यहाँ पे नए कलर की थ्रेड लगा रहे हैं, आपके पास जितने कलरफुल थ्रेड आप लगा सकते हैं आप लगा, आपके पास है आप लगा लीजिए। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, थोड़ा थ्रेड छोड़ेंगे सुई की हेल्प से लूप में डालने के लिए, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा स्लिप नॉट बनाई। अब देखिए अब हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में जो ये वाला राउंड है ना, इन दोनों के बीच में ये इस वाली जगह से हम फ्लावर बनाएंगे। तो नीचे ये फ्लावर है, इसके बाद ये वाली है ना सिंगल क्रोशे वाली जगह है ये। अब हमें यहाँ से देखिए एक दो तीन, तीसरे जो सबसे ऊपर है इसमें बनाना है अपना पैटर्न, इस वाली जगह पे, थर्ड वाली जगह में स्लिप नॉट को लेके अटैच करेंगे एक चेन से। एक दो तीन चेन, एक डबल क्रोशे होगा, इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और दो डबल क्रोशे। तो इन दोनों के बीच में एक दो तीन चार चेन बनाई, इनके बीच में सिंगल क्रोशे पिकॉट स्टिच, एक डबल क्रोशे, एक दो तीन चार चेन, डबल क्रोशे के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे बना, नेक्स्ट डबल क्रोशे, इस बार हम छः बनाएंगे पिकॉट स्टिच, चार चेन बनाई, एक दो तीन हो गई चार, एक दो तीन चार चेन,
सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट डबल क्रोशे, एक दो तीन चार चेन, इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे, एक दो तीन चार पाँच हो गई हमारे पास। अब सिक्स्थ, छः बनाएंगे, छः डबल क्रोशे और पिकॉट, चार चेन बनाई ये वाली जगह पे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। तो एक दो तीन चार पाँच छः बनाए हमने इस बार। अब यहाँ से हम इस बार फोर चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बनाया ऐसे बना के। नेक्स्ट वाले में जो ये वाला है, ये जो कली है इसके ऊपर वाला थ्री चेन है, सेकंड वाली चेन में, इसी के साथ वाले में नहीं, इसके नीचे, ये देखिए जहाँ पे कली है इससे ऊपर वाली जगह पे बनाएंगे, इस जगह पे जो थ्री चेन है सेकंड वाली, फर्स्ट स्किप किया सेकंड वाली चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर एक दो तीन चार, यहाँ से हम चार चेन बनाएंगे, ये ऐसे बना, ये देखिए ऐसे। नेक्स्ट चार चेन बनाने के बाद यहाँ से देखिए, अब ये वाली जगह पे आ गए, एक बार ये सिंगल क्रोशे, एक बार हम ये कली बनाएंगे। तो यहाँ से एक दो तीन, तीसरे वाले में इन दोनों से नीचे कली बनाएंगे ऐसे, देखिए दोबारा से एक दो तीन, तीसरे वाले में लूप लिया और कली बनाएंगे, डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे बनाया, फिर एक दो तीन चार चेन बनाई, अब इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे, एक चार चेन बनाई, दो फिर डबल क्रोशे, फिर एक दो तीन चार चेन बनाई, फिर इनके बीच में ऐसे चार तीन, सॉरी छः बनानी है ना हमें टोटल, एक दो तीन चार चेन, इसके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे, फिर ये चार हो गई, अब ये पांचवी, एक दो तीन चार चेन बनाई इनके बीच में, पांच हो गई। अब सिक्स्थ, छठा, एक दो तीन चार चेन बनाई, अब इनके बीच में सिंगल क्रोशे ऐसे, छः हो गई। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक ये वैसे सात डबल क्रोशे बनाएंगे और छः पिकॉट, एक जो स्टार्टिंग का है इसको इसको मिला के सेवन डबल क्रोशे होंगे, वैसे छः हैं हमारे पास और छः पिकॉट हैं, तो सात डबल क्रोशे और छः पर्ल स्टिच ऐसे बनाई। इसके बाद यहाँ से चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बनाया। अब जो नेक्स्ट है ये जो ये कली है इसके ऊपर वाला तीन चेन है, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे इस वाली जगह पे, ये बीच में फर्स्ट को स्किप करके सेकंड वाली चेन में थ्री चेन है ना, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाई, फिर यहाँ से एक दो तीन चार चेन बनाई, अब ये देखिए ऐसे बना। चार चेन बनाने के बाद यहाँ से अब इस जगह पे हमारे पास चार हैं, ये सॉरी तीन हैं, एक दो तीन, तीसरे सबसे ऊपर वाले में बनाएंगे, इसको नहीं कुछ करेंगे हम ऊपर वाले को, एक दो तीन, ये सिंगल क्रोशे से ऊपर थर्ड वाली जगह पे जो चेन वाली जगह है, डबल क्रोशे और ये डबल क्रोशे, एक दो तीन चार चेन, इनके बीच में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे ये पूरा बनाते जाएंगे, इजी पैटर्न है, अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, तो बनाते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जब हम ये कली में आते हैं तो एक और ये दो लेयर होती हैं चेन की, और ये ऊपर की दो लेयर और होती हैं, और जब हम ये सिंगल क्रोशे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक दो तीन लेयर होती हैं चेन की और ऊपर की दो लेयर और हैं, तो इसमें दो लेयर होती हैं, इसमें तीन होती है, इसमें
ये थर्ड वाले में बनाएंगे, और जो सिंगल क्रोशे है ये इसमें बनाएंगे, इसके बाद ये वाली ये थ्री चेन है और बीच वाली सेकंड चेन में बनाएंगे। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे। देखिए तो देखिए पूरी रो बना ली हमने। इस बार हमने इसमें छः कलियाँ बनाई हैं, एक कली के अंदर छः पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे छः, और यहाँ पर चार चेन है, थ्री की जगह चार चेन है, फोर चेन सिंगल क्रोशे फोर चेन। तो ऐसे ही अब देखिए पूरा फ्लैट बैठ गया है। अब यहाँ से चार चेन बनाई और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ा और एक चेन बनाई और जो थ्रेड है इसे काट लेंगे, कट कर लेंगे। अब इसे सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप्स में डाल के बैक साइड में। बहुत ही इजी पैटर्न है ये, आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। बस आपको ये नंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इवन नंबर के स्टिचेस होने चाहिए। अब जो बच गई है इसे कट कर लेंगे, और भी जितनी एक्स्ट्रा थ्रेड है ना कट कर लेंगे। तो सो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ये ड्रेस बन गई, इसका घेर भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये चार नंबर के कान्हा जी के लिए है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। जो भी आपके पास बची हुई थ्रेड है उससे भी आप ट्राई कर बना सकते हैं। बस बेस कलर ले लीजिए, नहीं तो इतना पोर्शन बनाने के बाद ये जो ये वाला है ये भी आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।